बॉन्डेड वेयरहाउस और ड्यूटी पेड वेयरहाउस। अगेन ये पूछने का चांस इसका भी रहता है, बट सिंस इसके पॉइंट्स कम है, 10 पॉइंट्स नहीं है, तो इसको समझ लो, पर एग्जाम में आया तो मैं 7 पॉइंट में लिखने का एडवाइस नहीं करता। ये देखो मार्च 2015 में पूछा है। सो लेट अस कम टू दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉन्डेड वेयरहाउस एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस। तुमको ऑलरेडी मैंने बताया है कि बॉन्डेड वेयरहाउस वो वेयरहाउस है। सो सबसे पहले क्या बोलोगे? मीनिंग, ठीक है, पॉइंट तुम्हारे सामने आ रहा है। बॉन्डेड वेयरहाउस वो वेयरहाउस है जहां पे गुड्स आर स्टोर्ड बट ड्यूटी इज नॉट पेड। ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी, एंड ड्यूटी पेड वेयरहाउस इज दैट वेयरहाउस वेयर ड्यूटी इज पेड एंड गुड्स आर स्टोर्ड। फर्क समझ में आ रहा है दोनों का, बॉन्डेड और ड्यूटी पेड वेयरहाउस का? यस सो बॉन्डेड वेयरहाउस में तो दोनों में रेंट तो लगना है, बट बॉन्डेड वेयरहाउस में गवर्नमेंट के साथ तुमने एक बॉन्ड किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहां पे गवर्नमेंट ने तुमको परमिशन दिया है कि तुम गुड स्टोर कर सकते हो इस वेयरहाउस में पेंडिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तुमको रेंट लगना है, ठीक है। दूसरा ओनरशिप, बॉन्डेड वेयरहाउस प्राइवेट पोर्ट के अंदर या पोर्ट के बाजू में होगा। बॉन्डेड वेयरहाउस ज्यादातर तो प्राइवेट और डॉक अथॉरिटीज का ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कस्टम ड्यूटी है, तो वो अब सीधी हिसाब है। बॉम्बे में नवशिवाय जो पोर्ट है, ठीक है, तो तुम नासिक में बॉन्डेड वेयरहाउस नहीं रखोगे, इतना दूर ट्रांसपोर्टेशन बीच में गायब कर दिया गुड्स किसी ने, तो इसलिए उसके 5, 10, 20 किलोमीटर के रेडियस में होगा, ज्यादातर तो अंदर ही होगा। सो बॉन्डेड वेयरहाउस पोर्ट के बहुत नजदीक रहता है। अब ड्यूटी पे हो गया तो गवर्नमेंट बोलेगा तेरे को जहां रखना है रख, वहां के रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे, बट बॉन्डेड वेयरहाउस में रेस्ट्रिक्शन काफी रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बॉन्डेड वेयरहाउस का जो मालिक है वो प्राइवेट भी हो सकता है और डॉक अथॉरिटीज भी हो सकता है, जबकि ड्यूटी पेड में गवर्नमेंट का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना टैक्स मिला। गवर्नमेंट बोलेगा किसी भी पब्लिक को ओन करने दे, हमको उससे लेना देना नहीं। सो ज्यादातर तो पब्लिक अथॉरिटी ओन करते हैं ओनरशिप पर्पस। ये बॉन्डेड वेयरहाउस का पर्पस ये है कि गुड्स इंपोर्ट हो चुका है पर टैक्स इतना ज्यादा है, या तुम्हारे पास पैसे के शॉर्टेज है, थोड़ा टाइम बाद लोन क्लियर होगा, तो तुम इस हिसाब से अंडर बॉन्ड रख रहे हो। और ड्यूटी पेड वेयरहाउस में प्रॉब्लम ऐसा है कि गुड्स तो आ चुका है बट तुम्हारे वेयरहाउस नासिक में जगह नहीं है, तो टेम्पररीली तुम ड्यूटी पेड वेयरहाउस में गुड्स स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है। तो ये उसका पर्पस है। नेक्स्ट लोकेशन, देयर लोकेशन जैसे मैंने बताया पोर्ट्स या डॉक्स के अंदर या उसके एकदम बाजू में होगा बॉन्डेड वेयरहाउस, और ड्यूटी पेड डॉक्स के अंदर नहीं होगा, क्योंकि डॉक्स के अंदर बॉन्डेड वेयरहाउस के लिए जगह रखा जाएगा और जो ड्यूटी पेड है वो डॉक्स के बाजू में होगा। सबको समझ में आ रहा है ये सब? नो। अच्छा, बॉन्डेड वेयरहाउस में क्या हो सकता है, तुमने गुड्स इंपोर्ट किया बॉन्डेड में रखा, वहां से री एक्सपोर्ट किया, ये भी पॉसिबिलिटी है, जबकि वंस ड्यूटी पे कर दिया तो ज्यादातर चांस है कि तुम उसको अपने नासिक में लेकर आओ, लेकिन हो सकता है बॉन्डेड वेयरहाउस में तुमने नवशिवाय पोर्ट में इंपोर्ट किया, नवशिवाय पोर्ट में वहां पे बॉन्डेड वेयरहाउस में अंडर बॉन्ड रखा और फिर उसको री एक्सपोर्ट किया। एक कंसेप्ट है जिसको हम ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक में एक ऑप्शन है कि ड्यूटी पे करो और फिर वापस मिलता है, या तो फिर तुमने इम्पोर्ट किया ड्यूटी भरा नहीं और उसको री एक्सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट को तुमने बोल दिया कि सिंस तुमने वो कुछ एक्सपोर्ट किया तो ड्यूटी उस पर लागू नहीं होता, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, करेक्ट। सो बॉन्डेड वेयरहाउस में री एक्सपोर्ट होने का चांस रहता है, ड्यूटी पेड में री एक्सपोर्ट लगभग नहीं होगा, तुम नासिक में लेकर आओगे डिलीवरी। याद रखो बॉन्डेड वेयरहाउस में तुमको गुड्स का डिलीवरी तभी मिलेगा जब तुम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी पे करोगे,
और ड्यूटी पेड वेयरहाउस में तो सिर्फ रेंट भरना है, ऑफ कोर्स बॉन्डेड वेयरहाउस में रेंट भी भरना है और ड्यूटी भी भरना है, लेकिन ड्यूटी पेड वेयरहाउस में तुमने रेंट पे किया तुमको तुरंत गुड्स मिल जाएगा, बॉन्डेड वेयरहाउस में तुमको कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुमने रेंट नहीं भरा प्लस ड्यूटी नहीं पे किया। सुपरविजन, बॉन्डेड वेयरहाउस पे कस्टम के लोग जो है कस्टम्स ऑफिसर उनकी बहुत कड़क नजर रहती है, ठीक है, क्योंकि टैक्स भरा नहीं है तुमने। और जो प्राइवेट वेयरहाउस है वहां पे कस्टम अथॉरिटी बोलेंगे टैक्स भर दिया, अभी हम पे को नजर रखें, एक क्योंकि स्मगलिंग का चेकिंग हो चुका है सैंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ड्यूटी भी पेड है, तो कस्टम अथॉरिटी बोलेंगे ड्यूटी पेड जहां पे रखना है रखो, हमको कोई लेना देना नहीं। जबकि बॉन्डेड वेयरहाउस में सुपरविजन काफी कड़क रहता है, ठीक है। अभी इसका मैंने एक स्टोरी बनाया हुआ है, एक लग्जरी कार शोरूम का, तुमने सुना है अरब शेख, ये क्या नाम है इसका, दुबई शेख का नाम सुना है, यस सर, उसका नाम है यस सर, ये जो शेख है आई थिंक मोहम्मद अल मक्तूम, ठीक है, इस बड़ा नाम है, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, ऐसा आई थिंक बड़ा नाम है। तो नहीं, उसका नाम जो है, ये जो शेख का फोटो है इनका नाम है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, इनका लड़का इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है, आई थिंक लड़के का नाम हमदान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ इनका लड़के का नाम हमदान है, शेख हमदान, वो इंस्टाग्राम में बहुत सारे फोटो डालते रहता है उसके, इनके पास 7,000 कार है, सुना है तुमने, सुना है यस तुम दुबई में जाओ, सर, हाँ दुबई में जाओगे ना तुमको मारुति ऑल्टो ये सब मिलना ही नहीं है, सिर्फ लग्जरी कार्स ही मिलेंगे तुमको वहां पे, वहां पे तो टेस्ला जैसी कार टैक्सी के रूप में यूज होती है, वहां पे टोयोटा ये सब टैक्सी के रूप में यूज होते हैं, और टैक्सी के मेजोरिटी ड्राइवर्स पाकिस्तानी बांग्लादेशी और कुछ इंडियंस हैं, और टैक्सी के भी जो प्राइवेटली ओन्ड है लेकिन टैक्सी के कुछ कंपनीज गवर्नमेंट के भी है, मतलब हर प्रकार से वो लोग कमाते हैं। सो अरब शेख, अगेन इसके बारे में काफी डिटेल है बोलने के लिए, बट आई विल कीप इट शॉर्ट, ऐसा सोचो अरब जो शेख है मोहम्मद बिन मक्तूम, इनके पास 7,000 कार है, उनका हॉबी है, उनका पर्पस है हॉबी, और वहां पे एक ऐसा यार्ड है जहां पे जो स्पोर्ट्स कार है वो लोग सेकेंड हैंड बेचते नहीं है, वहां पे अपमान माना जाता है, इफ शेख ने तुमने मर्सिडीज यूज की 50 लाख की और 3 साल बाद तुम बेचना चाहते हो तो तुम कितने में बेचोगे, करीबन 20 लाख में, डू यू एग्री, डू यू एग्री 20 लाख में बेचोगे, वहां यस पे कोई बेचता नहीं है, बहुत बड़ा अपमान माना जाता है कि तुम गरीब हो माना जाता है, वो लोग क्या करते हैं स्क्रैप यार्ड में जाके रख देते हैं कार, मतलब और उसको मतलब जरा सा भी एक्सीडेंट हुआ ना वो लोग उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते, फेंक देते कार, और कई सारे तो शेख रास्ते में छोड़ देते कार, फिर उसको लेके जाके स्क्रैप यार्ड में लोग उसको बोलते हैं ना स्क्रैप कर देते हैं, सो ये लोग सेकेंड हैंड नहीं बेचते, सो उनका पर्पस है हॉबी कलेक्टिंग कार्स, द लोकेशन ऑफ कार्स इज बिहाइंड हिज हाउस इन द वेयरहाउस, इनका हाउस नहीं महल है पैलेस है बहुत बड़ा, तो पैलेस के अंदर कोई जा नहीं सकता, लेकिन मुझे अंदाजा है कहाँ पे था पैलेस, दुबई में है, वैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 7 स्टेट्स है, उस सब स्टेट्स के यही हेड है मोहम्मद बिन मोहम्मद, ठीक है, सो और इंडिया का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से बहुत अच्छा संबंध है, तो और अभी इन्होंने इंडियन ट्रेवलर्स पे काफी रेस्ट्रिक्शन थे, अभी थोड़ा आसान कर दिया है, सो अरब शेख 7,000 कार का मालिक है, उनका पर्पस है हॉबी कार कलेक्शन, उनका घर महल के पीछे उनका लोकेशन है जहां पे उनके कार रहते हैं, हाफ ऑफ द वेयरहाउस ऐसे सोचो कार मार्केट है, वहां पे मुझे याद है
मैं ट्रैवल कर रहा था तो लाइन से शोरूम एक एरिया है, मुझे ख्याल नहीं आ रहा कौन सा एरिया, बट सब लक्जरी कार्स तेरे को, तुमको तो तुमको ऐसा मारुति और ये सब ह्यूंडई के कम मिलेंगे, तुमको सब रोल्स रॉयस और फरारी और लंबोर्गिनी, ठीक है ना, ऐसे टाइप के टेस्ला ये सब तुमको मिलने हैं। तो ऐसा सोचो, घर के पीछे लोकेशन उनका वेयरहाउस है, ऐसा सोचो है नहीं, आधा वेयरहाउस कार मार्केट है जहां पे वो बेचते हैं फ्रॉम जब, और उस वेयरहाउस से वो डिलीवरी देते हैं इंपोर्टेड कार्स का अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। सो दुबई का जो शेख है, अरब शेख, वो 7,000 कार के मालिक है, उनका पर्पज है हॉबी कलेक्टिंग कार्स, उनका जो कार्स कहाँ रखते हैं, महल के पीछे उनका एक लोकेशन है जहाँ वेयरहाउस रखते हैं, हाफ ऑफ वेयरहाउस मार्केट के तौर पर यूज होता है, जहां से वो लोग जो लोग कार खरीदते हैं उनको डिलीवरी देते हैं स्ट्रिक्ट सुपरविजन के पास। एक्चुअली ये फोटो उनके का वेयरहाउस का है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। 7,000 कार कुछ ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है मालिक, समझ में आया सबको ये? यस और नो? यस सर।